अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको यूबीएल बैंक से इजी पैसे में पैसे ट्रांसफर करने का तरीका बताया जाएगा। यूबीएल बैंक से इजी पैसे में आसानी से फंड ट्रांसफर करने के लिए आपके मोबाइल में यूबीएल बैंक मोबाइल ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यूबीएल मोबाइल ऐप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपके मोबाइल में यूबीएल मोबाइल ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड है तो आप यूबीएल मोबाइल ऐप ओपन करके लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यूबीएल मोबाइल ऐप की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। क्योंकि हमें यूबीएल मोबाइल ऐप के जरिए इजी पैसा ऐप में फंड ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पेमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने पेमेंट के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर आप पे एनी वन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने पे ई मैनेजमेंट के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यूबीएल ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट या इजी पैसा ऐप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप जिसे पैसे सेंड कर रहे हैं उसके अकाउंट की तमाम तर मालूमात पे ई के तौर पर ऐड करनी होती है। इसके लिए आप एड न्यू पे ई के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने टाइप्स ऑफ पे ई के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। आप यहाँ अदर बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने अदर बैंक अकाउंट के हवाले से स्क्रीन शो हो जाएगी। आप सिलेक्ट बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके सामने तमाम बैंक्स के नाम की एक लिस्ट शो हो जाएगी। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन अकाउंट डिटेल्स के हवाले से शो हो जाएगी। यहाँ जहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है वहाँ पर आपको जिस इजी पैसा नंबर पर पैसे सेंड करने हैं उसका नंबर टाइप करें। इजी पैसा नंबर टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन में आप जिसे पैसे सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहां पर शो हो जाएंगी। यहां पर आप जिसे पैसे सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी टाइप करें ताकि उसे पैसे सेंड करने के बाद इंफॉर्मेशन मिल सके। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आप सिलेक्ट बेनिफिशियरी रिलेशनशिप के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने सिलेक्ट रिलेशन के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अदर सिलेक्ट कर लिया है। आपके सामने दोबारा ऐड अदर बैंक अकाउंट वाला पेज शो हो जाएगा। अब आप ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट्स का ओटीपी कोड रिसीव होगा। अगर सिम आपके मोबाइल पर लगी हुई है तो ये ऑटो वेरीफाई होगा, वरना आपको पिन कोड खुद से दर्ज करना पड़ेगा। पिन कोड वेरीफाई होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें मैसेज डिस्प्ले होगा कि पे ई कामयाबी के साथ ऐड हो चुका है। आप ओके के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने पे एनी वन की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहां पर आपके यूबीएल बैंक अकाउंट की डिटेल्स शो होंगी। यहां पे टू में उस शख्स का नाम शो होगा जिसे आप पैसे सेंड करने जा रहे हैं। आप सिलेक्ट पर्पस के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने सिलेक्ट पर्पस ऑफ पेमेंट के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी, यानी आप पैसे किस मकसद के लिए सेंड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। मैंने यहां से अदर सिलेक्ट कर लिया है। आपके सामने दोबारा से पे फ्रॉम अकाउंट वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आप यहां पे वो अमाउंट टाइप करें जो आप सेंड करना चाहते हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद रिव्यू के बटन पे क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में पेमेंट के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, यानी आप कितनी रकम किस इजी पैसे नंबर पर सेंड कर रहे हैं। अगर तमाम तर मालूमात दुरुस्त है तो आप पे के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले होगा कि मतलूबा रकम कामयाबी के साथ ट्रांसफर हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यूबीएल बैंक से इजी पैसे में पैसे ट्रांसफर करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।